विधानसभा में संसदीय प्रणाली और जन अपेक्षाओं विषय पर सेमिनार का आयोजन। पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद ने किया शुभारंभ। दूसरे सत्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी संबोधन। सीपीए कार्यक्रम में बोले गुलाम नबी आजाद, कहा एक संस्था दूसरे संस्था के काम में दखल न दे। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और गुलाब चंद कटारिया ने भी किया संबोधन। भूपेंद्र पटेल आज लेंगे गुजरात में मुख्यमंत्री पद की शपथ। शपथ से पहले भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए किया पहला ट्वीट। शपथ कार्यक्रम में शाह योगी समेत 5 राज्यों के सीएम मौजूद रहेंगे। जयपुर में विभिन्न मांगों को लेकर विद्यार्थियों का प्रदर्शन। शहीद स्मारक पर जता रहे विरोध। कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीस माफ कराने सहित विभिन्न मुद्दों पर प्रदर्शन। आज से 3 दिन तक चलेगी एसआई भर्ती परीक्षा। 859 पदों के लिए परीक्षा में 7,95,000 परीक्षार्थियों ने किया आवेदन। संभागीय मुख्यालयों के साथ 4 अन्य जिलों में परीक्षा का आयोजन। जयपुर दिल्ली हाईवे पर घटवाड़ा पुलिया के पास भीषण हादसा। 2 ट्रेलर और कार की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत। 2 गंभीर घायलों को अस्पताल में करवाया भर्ती। प्रदेश के 30 जिलों में मानसून की सक्रियता से बांधों का बड़ा जलस्तर। बिसलपुर बांध का जलस्तर पहुंचा 310.76 आरएल मीटर। प्रदेश भर में 5 दिन और अच्छी बारिश की संभावना। कोरोना से मौत के आंकड़े अब नहीं छिपेंगे। कोरोना से मौत का डेथ सर्टिफिकेट पर होगा जिक्र। सुप्रीम कोर्ट की सरकार पर सख्ती। सरकार ने जारी की गाइडलाइन। स्विस बैंक में कितने भारतीयों के अकाउंट। इसी महीने सरकार को मिलेगी तीसरी लिस्ट। ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन समझौते के तहत मिलेगी भारतीय खातेदारों की जानकारी। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद का दावा, मैं सालों तक अमेरिकी सेना की नाक के नीचे रहा लेकिन वो मुझे नहीं पकड़ सके।